हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट, हमारा पूरा कंप्लीट कंसेप्ट ऑन ट्रेन। ट्रेन्स के क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स को जरूर दिक्कत आती है क्योंकि वो लोग उसको एनालाइज नहीं करते हैं। लेकिन जैसे हमने जो पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी फर्स्ट पार्ट में, हमको सिर्फ उसको यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सिर्फ जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं s equals to u into t, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके अलावा हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि एक्चुअल में ट्रेन का कंसेप्ट वर्क कैसे करता है। जब भी हमें बोले कि एक ट्रेन है और एक पोल है, मेरी ट्रेन किसी पोल को कंप्लीटली क्रॉस कर रही है, मैंने अज्यूम कर लिया ये पोल है एंड दिस इज आवर ट्रेन, ठीक है। दिस इज आवर पोल एंड दिस इज आवर ट्रेन। लेंथ ऑफ द ट्रेन इज गिवन टू यू इज एल, ठीक है, और स्पीड ट्रेन का यू दिया है। हमको ये पूछता है, अगर वो बोलता है कि मेरी ट्रेन किसी पोल को कंप्लीटली क्रॉस कर रही है, इसका मतलब हमको ये अज्यूम करना है कि ट्रेन का जो फ्रंट एंड है वो पोल के जस्ट टच में है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमको नहीं पता कि ट्रेन और पोल का डिस्टेंस कितना है। अगर वो क्वेश्चन में खुद ही दे दे कि ट्रेन और पोल के बीच का डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन डिफरेंट हो जाएगा। तो यहां पे हम बात करते हैं कि टोटल ये जो पोल, ट्रेन पोल को क्रॉस कब करेगा, जब ये ट्रेन यहां पर पहुंच जाएगा कंप्लीटली क्रॉस, मतलब ये वाला जो पॉइंट है मेरा ये यहां पर आना चाहिए और ये वाला पॉइंट यहां पे आना चाहिए, ठीक है। मींस इस पॉइंट ने, ट्रेन के हर एक पॉइंट ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ये वाला पॉइंट कहां होगा, यहां पे, ये वाला यहां पे, ये वाला यहां, एंड सो ऑन। इसलिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस लेंथ ऑफ द ट्रेन के ही बराबर है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए एल इक्वल्स टू यू, इट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय टी, एंड टी आपसे पूछे टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द पोल कंप्लीटली, ठीक है। ये हमारा हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं, अगर हमको वो बोल दे कि पोल, पोल की जगह में एक प्लेटफॉर्म है, पोल वाले केस में हमने पोल की लेंथ ट्रेन के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मानी थी, बट इस केस में हमको प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है, नेग्लिजिबल नहीं है। मैंने अज्यूम कर लिया दिस इज लेंथ ऑफ ट्रेन एल टी एंड दिस इज लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एल ऑफ पी, ठीक है। अगर मुझे बोलता है कि ट्रेन यू स्पीड से जा रही है, तो सिमिलरली जो इस केस में हुआ था पोल में, वही प्लेटफॉर्म में होगा, कंप्लीटली क्रॉस के लिए हमको बोलेगा। तो मेरा ये वाला पॉइंट जो लास्ट वाला पॉइंट था वो यहां पर आना चाहिए आफ्टर द क्रॉसिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो ये ट्रेन की लेंथ अभी भी ट्रेन रहेगी, ठीक है। इस वाले पॉइंट को यहां पे रीच करेगा, तो अब जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच पॉइंट ऑन द ट्रेन, एवरी पॉइंट ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, तो दैट इज एल ऑफ पी प्लस एल ऑफ टी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, दिस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द प्लेटफॉर्म, ठीक है। अभी हमने बात करी पोल और प्लेटफॉर्म की, वहां पे दोनों पोल और प्लेटफॉर्म क्या थे, रेस्ट पे। अब हम बात करेंगे टू ट्रेन्स, एक बार कंप्लीटली क्रॉस करती है एक दूसरे को, अपोजिट डायरेक्शन में थी, और एक बार जब वो सेम डायरेक्शन में होती है। तो आइए देखते हैं क्या होता है जब हम सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन मूव कर रही है। दिस इज माई ट्रेन वन एंड दिस इज ट्रेन टू। जैसे हमने दोनों को पोल और प्लेटफॉर्म में, ट्रेन को एक दूसरे के पास में रखवाया था, अज्यूम किया था हमने कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो, टचिंग था, सेम इसमें भी हमको अज्यूम करना है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज हमको डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेटफॉर्म्स, ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म, या दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस वगैरह हमको पता होना चाहिए। अगर मैं इस केस की बात करूं, इस ट्रेन की लेंथ L1 मान लेते हैं, इसकी ट्रेन की लेंथ L2 मान लेते हैं, जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, मींस ये ट्रेन इस तरफ जा रही है और ये भी ट्रेन इस तरफ,
यानी कि दोनों सेम ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जा रही है, अपोजिट पैरेलल है दोनों एक दूसरे के। मेरा जो सेकेंड वाला फ्रंट एंड है ट्रेन फर्स्ट का फ्रंट एंड, ये इसके बैक एंड से टच होना चाहिए और ये वाला जो पॉइंट है ये यहां पे और इसका फ्रंट एंड यहां होना चाहिए। कंप्लीटली क्रॉस होगी कब, जब ये वाला मान लीजिए ट्रेन वन की स्पीड ट्रेन से ज्यादा है, इसकी स्पीड यू वन है इसकी वी वन है, मैंने अज्यूम कर लिया कि यू वन इज ग्रेटर देन वी वन, तो ऑब्वियस बात आफ्टर फ्यू टाइम आफ्टर सम टाइम ट्रेन फर्स्ट विल क्रॉस ट्रेन टू, स्पीड हमने इसकी ज्यादा मानी है, मीन्स ये वाला होना क्या चाहिए, दिस इज ट्रेन फर्स्ट एंड दिस इज ट्रेन टू, देखिए ट्रेन टू यहीं की यहीं है और ट्रेन फर्स्ट यहां, मीन्स ये वाला पॉइंट आया कहां पे, यहां पे, तो डिस्टेंस बिटवीन ये पॉइंट इसके इसको फ्रंट करेंगे यहां पे आएगा, मीन्स ट्रेन वन प्लस ट्रेन टू की लेंथ का डिस्टेंस ट्रेवल किया इस पॉइंट ने और ट्रेन के हर एक पॉइंट ने इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा दोनों की लेंथ के सम के बराबर, तो L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू स्पीड। अब देखिए इस ट्रेन की भी कुछ स्पीड है, इस ट्रेन की भी कुछ स्पीड है, मैंने रिलेटिविटी के कंसेप्ट में आपको बताया था कि जब भी दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही हो एक ही डायरेक्शन में तो इसकी स्पीड इसके रेस्पेक्ट में कुछ होगी, तो वो u1 माइनस v1 होती है। अगर आपने वो नहीं देख पाया है तो आप प्लीज पीछे जाके उसको जरूर देख के आए, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, ट्रेन वन की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन टू, दैट इज इक्वल्स टू यू वन माइनस वी वन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, हमने अज्यूम कर लिया कि टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन फर्स्ट टू क्रॉस द क्रॉस कंप्लीटली इज इक्वल्स टू टी। तो ये वाला जब हम दोनों ट्रेन की बात करें कि दोनों अपोजिट डिरेक्शन में जा रही है तब भी ऐसे ही करना है हमको, ये ट्रेन v1 स्पीड से इधर जा रही है, ये u1 स्पीड से इधर जा रही है, इसकी लेंथ है फर्स्ट एंड दिस इज l1 l2, ठीक है। अब मैंने अज्यूम किया कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है हम दोनों, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि इसकी लेंथ दिस इज l1 और ये l2, अब ये कंप्लीटली क्रॉस इसको करेगा तो ये वाली ट्रेन यहीं पर अगर मैं मानता हूं तो ये वाला इसको कंप्लीटली क्रॉस कर दिया आना चाहिए, मीन ये वाला पॉइंट कहां पहुंच गया, यहां पर, और ये पॉइंट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दिस प्लस दिस, ये देखिए L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, एड U1 into T is टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि किया क्या, अब जो ये जो U1 माइनस V1 लिखा है तो एग्जाम में आपको करना कैसे, हमेशा अज्यूम करना है कि मेरा जो ये ट्रेन था कोई सा भी एक ट्रेन उसको मैंने अज्यूम कर लिया कि दिस इज एट रेस्ट, ठीक है, ये रेस्ट पे होगा तो अब ट्रेन सिर्फ यही चलेगा, तो इस पॉइंट को कहां जाना पड़ेगा, यहां, तो ट्रेन वन की लेंथ प्लस ट्रेन टू की लेंथ, और इसकी स्पीड हमको ऑटोमेटिकली क्या करनी पड़ेगी, कम, क्योंकि दोनों कैसे डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, इस केस में दोनों की स्पीड एड हो जाएगी जब भी मैं इसको क्या अज्यूम करूंगा कि दिस इज एट रेस्ट, ठीक है, तो हम इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। देखिए जो टाइम में इसको कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना था टाइम तो अब भी उतना ही लेना है इसको, बस हमने हाइपोथेटिकली अज्यूम किया है कि दिस इज एट रेस्ट, ठीक है, तो इसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल करना था अब उसको टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एल वन प्लस एल टू हो गया, इसलिए हम इसकी स्पीड इंक्रीज करते हैं रिलेटिव कंसेप्ट से, ठीक है। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके पहले अगर यहां पे ट्रेन और ब्रिज भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिज भी प्लेटफॉर्म की तरह ही बिहेव कर रहा है, और जो ये जो मैंने रेस्ट पे इसको कन्वर्ट करके किया है इसका मतलब क्या है, दिस ट्रेन इज बिहेविंग एज अ प्लेटफॉर्म, अलग से कुछ याद नहीं करना है हमको, वहां पे बस प्लेटफॉर्म की स्पीड कितनी थी, जीरो, ट्रेन की स्पीड कुछ दिया हुआ था, अब यहां पे इस ट्रेन की भी स्पीड है लेकिन मैंने इसकी स्पीड किसको दे दी, इसको, इसको तो हमने रेस्ट पे अज्यूम कर लिया, तो बस चेंज कहां पे आएगा, यहां पे।